आज की ये वीडियो होने वाली है टीचर्स के लिए, पर लेकिन इसका काम और फायदा आप स्टूडेंट्स के लिए ही है। दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी स्टूडेंट्स की अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, और दोस्तों ज़्यादातर लोगों की ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप पर चल रही है। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर क्लास के और स्कूल के उन पर ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सभी स्टूडेंट्स और आपके टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये वीडियोस जो आपके टीचर्स बनाते हैं आपके लिए स्टडी की, और वो वीडियो इतनी ज़्यादा एमबी के बन जाती है जिसके कारण उस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि कभी कभी तो पीरियड ही खत्म हो जाता है और वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाती। अगर बाई चांस ये वीडियो अपलोड भी हो जाती है तो इसे डाउनलोड करने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होगा, और वीडियो को डाउनलोड करने में भी आपके मोबाइल फ़ोन की मेमोरी और आपके इंटरनेट का डाटा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जैसा कि मैं आप सभी टीचर्स से कहना चाहता हूं कि जो ये आप व्हाट्सएप ग्रुप पर 100-100, 200-200 MB की वीडियोस को अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा MB की वीडियोस को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, और कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि आपकी क्लास का टाइम ही ख़त्म हो जाता होगा और वीडियोस भी अपलोड नहीं हो पाती। तो मैं आज आप सभी टीचर्स को एक ऐसी गजब की ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप सभी टीचर्स का कीमती वक्त बर्बाद होने से बचेगा और आप कुछ सेकंडों में ही जितने चाहे उतने स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर कर पाएंगे, और स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखने के लिए डाउनलोड भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आप टीचर्स और स्टूडेंट्स के फ़ोन की मेमोरी खर्च होगी। तो सभी टीचर्स अगर आप किसी भी वीडियो को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे तो आप सभी इन वीडियोस को अपने मन चाहे टाइम पर शेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए आप अगर इन वीडियोस को लिंक में कन्वर्ट कर दे तो आप इन्हें कभी भी शेयर कर सकते हैं कुछ ही एमबी और कुछ ही सेकंडों में। तो आपको ये सब कैसे करना है वो मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन से बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ तो आपको इस काम को करने के लिए किसी भी बाहर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन पहले से होगी। तो आपको ज़रूरत है बस ये गूगल ड्राइव की, बस। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम गैलरी को ओपन कर लेते हैं। गैलरी में जो हमने ये वीडियो बनाई है आपको बस इस पर क्या करना है, इस पर क्लिक करके रखना है और यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना अगर यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव नहीं आ रहा है। तो शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा गूगल ड्राइव का ऑप्शन, अगर आपने ये डाउनलोड करके रखा है तो। अब यहाँ पर आपको बस गूगल ड्राइव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप इसे नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, जो भी इस कलेक्शन का प्रोजेक्ट का जो भी नाम हो। या लिखने के बाद अब आपको बस यहाँ पर क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। ये होने लग गया, अब बस आपका काम हो गया। उतनी देर, थोड़ी देर लग सकती है अपलोड होने में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोडिंग होनी शुरू हो गई, ये आप देख सकते हैं ये अपलोड हो गई। तो अब आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को ओपन करने के बाद आपको बस यहाँ पर तीन डॉट पर क्लिक करना है। इन तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला लिंक शेयरिंग ऑफ, तो आपको बस इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम करने के बाद तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आ गया, ऑफ के बाद ये ऑन हो गया। अब इसके बाद आपको बस दूसरा काम ये करना है, ये कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है बस। ये लीजिए यहाँ पर लिखा भी आ गया, तो अब आपका काम पूरा हो गया। अब बस आपको क्या करना है, अब आपको अपने WhatsApp ग्रुप पर जाना है। अब मैं WhatsApp ग्रुप पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपको राइटिंग का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके रखना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन में पेस्ट का ऑप्शन आ गया, तो पेस्ट पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं आपको ये लिंक यहाँ पर आ गया। अब बस आपको क्या कर देना है, ये यहाँ पर ये भी आ गया, थोड़ी सी देर इंतजार करने के बाद अब यहाँ पर ये भी आ जाएगा, और थोड़ी सी देर में ही अब आपको बस यहाँ पर ये क्लिक कर देना है। ये देखिए अब आपका काम हो गया। तो आप सभी स्टूडेंट्स जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ब्राउज़र की मदद से इस वीडियो को देख पाएंगे। और अगर बाई चांस बच्चों को ये वीडियो डाउनलोड भी करनी है तो वे यहाँ पर क्लिक कर डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर आप ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता देना, और जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने क्लास ग्रुप और स्कूल ग्रुप पर भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि सभी लोग इस गजब की ट्रिक के बारे में जान सके। और अगर आप जानने के शौकीन हैं मजेदार, इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये चैनल आप ही के लिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट।